दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि गुजरात के मोरबी में छठ पूजा के दौरान जो घटना हुआ है उसका लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो किस तरह से इसको ब्रिज को हिला रहे हैं और इतने पॉपुलेशन होने की वजह से, इतने लोग इस पे ब्रिज पे होने के वजह से अचानक ब्रिज टूट जाता है और जितने लोग ब्रिज पे हो रहे होंगे सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि कितना भयानक ये हादसा होगा, क्योंकि देखिए ये सामने दिख रहा है, कुछ बच्चे देखिए जानबूझ के पूरा ब्रिज को हिला रहे हैं और इसमें बहुत से लोग ब्रिज पे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें किसका दोष होगा। इस ब्रिज का जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का सहने की क्षमता है, लेकिन इस पे कम से कम 400 से 500 लोग इस ब्रिज पर थे। तो इसमें जो देखा जाए तो जिसको ये बेचा गया था, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 15 साल के लिए, उन्होंने ये पैसे कमाने के चक्कर में एक साथ में इतने लोगों को ब्रिज पे आने दिया था और प्रशासन भी इस पर रोक नहीं पाया था। ये प्राइवेट जो किया जा रहा है, जो हुआ है उसके वजह से ये हादसा हुआ है, सीधा सीधा यही बोलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं और ये प्रशासन अगर टाइट हुआ होता, इतने लोगों को जाने की परमिशन नहीं मिलता तो ये हादसा नहीं होता। दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।